हेलो एवरी वन टूडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट मॉलिक्यूल एज वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अबाउट एटम्स लेट स्टार्ट चलिए देख लेते हैं वैसे मॉलिक्यूल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी, भी बताया था अब यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं मॉलिक्यूल होता क्या इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दो एलिमेंट को मिलाकर के ही मॉलिक्यूल बनते हैं जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया तो H2 मॉलिक्यूल बन गया ठीक है तो किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या फिर तुम एलिमेंट भी लिख सकते हो और कंपाउंड भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड ठीक है तो जो कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटांस इस सब्सटांस का सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हो और ये कैपेबल हो इंडिपेंडेंट मतलब किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में ना रहे जब हम एलिमेंट की बात करें तुम यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ से कंपाउंड हटा करके एलिमेंट लिखोगे तो भी सही होगा ठीक है या फिर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो जैसे कि एच टू ठीक है तो ये भी एक क्या है मॉलिक्यूल है ठीक तो जरूरी नहीं है कंपाउंड लिखना कंपाउंड यहाँ से हटा सकते हो अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो नेक्स्ट इट इज़ ए ग्रुप ऑफ़ टू और मोर आइटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं देट इज़ टाइटली हेल्प टूगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में क्या है फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसके वजह से ये एच टू मोलिक्यूल बनाते हैं मोलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं फर्स्ट है मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब एच टू ठीक है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स में जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं सेम टाइप के होते हैं ये नहीं होगा कि डिफरेंट होगा जैसे एच टू ओ के अंदर एच टू ओ के अंदर जो एटम्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं बट ये भी क्या है एक तरीके का मॉलिक्यूल है ठीक है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर ऐटम क्या है डिफरेंट हो हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जहां क्या है सेम है नम, अब इसमें एक एटोमिसिटी वर्ड आता है एटोमिसिटी है क्या इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी वन मार्क्स में आ जाता है पेपर में द नंबर ऑफ एटम्स कंसिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल किसी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स का यूज हुआ है उसको बोलते हैं हम एटोमिसिटी एटोम अब कितने टाइप के ये एटोमिसिटी पाए जाते हैं तो देखो मोनो ऑटोमिक टेट्राएटॉमिक और पॉली एटोमिक अब डिफरेंस क्या है जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम प्रेजेंट हो जैसे कि आर्गन हीलियम ये एक ऐसे नॉन मेटल है ठीक है जो सिंगल स्टेट में पाए जाते सिंगल स्टेट कहने का मतलब है कि ये किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता है ठीक है जैसे कि आर्गन ए आर फॉर्म में ही मिलेगा हीलियम एच ई फॉर्म में ही मिलेगा ठीक है ये नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इनको बोला गया है मोनो एटोमिक ये एक नोबल गैसेस है ठीक है नोबल गैसेस वो होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते है। नेक्स्ट है एटॉमिक ठीक है एटॉमिक वो होते हैं जो नेचर में कैसे पाए जाते हैं दो ऐसे ट्वाइस पाए जाएंगे जैसे ऑक्सीजन ओ टू फॉर्म में पाया जाएगा हाइड्रोजन एच टू फॉर्म में पाया जाएगा नाइट्रोजन एन टू फॉर्म में पाया जाएगा क्लोरीन सी एल टू फॉर्म में पाया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक वो जहाँ पे दो से ज़्यादा होते हैं जैसे कि फोस्फोरस फोस्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है टेट्राएटॉमिक, पी फोर और सल्फर जहाँ पे चार से ज़्यादा हो सल्फर इज एस एट आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गया होगा एटोमिसिटी इज दी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में जैसे इस एक मॉलिक्यूल में दो एटम है इस एक मॉलिक्यूल में दो, दो दो इस एक मॉलिक्यूल में चार है इस एक मॉलिक्यूल में आठ है इसमें एक है एक है इनका इसलिए इनका एटोमिसिटी क्या है वन और नीचे वाले का दो और उससे नीचे वाले का चार और सल्फर का आठ ठीक है तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ तुम्हें बताना है इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं क्वेश्चन है पी ओ फोर थ्री नेगेटिव हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड ठीक है तो कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे फाइव ये चार्ज होता है ऊपर कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव में देखोगे वो चार्ज ये एटम्स नहीं होते हैं एटम्स ये होते हैं जैसे कि चार ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कितने हैं चार और फोस्फोरस कितना एक तो टोटल कितना हो गया पाँच तो फाइव एटम्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में या फिर इस मॉलिक्यूल में एक और क्वेश्चन देता हूँ एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन कितने मौल, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है या कंपाउंड में तो तीन प्रेजेंट है यहाँ पे दो हाइड्रोजन के और एक सल्फर का ठीक है तो ऐटम क्लियर हो गया मॉलिक्यूल एलिमेंट पहला पार्ट हमने देख लिया सेकेंड पार्ट होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पहला था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का डेफिनेशन क्या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स का एटम्स ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन कैसे ज्वाइन होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या बनाते हैं ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल एच टू ओ वॉटर वॉटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आकर के कंबाइन होगा तभी ये वाटर बनेगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा अमोनिया एनएच थ्री कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू ठीक है कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन एक होता है रेशियो बाय मास ठीक है ये चीज़ मैंने पहले भी बताया होगा तुम्हें बट एक बार और बता देता हूँ रेशियो बाय मास का मतलब क्या है जैसे कि हाइड्रोजन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का रेशियो बाय मास कितना होगा तो हाइड्रोजन का मास एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन होता है बट यहाँ पे दो है दो होने की वजह से इसका दो हो गया और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सिक्सटीन होता है तो एच अपॉन में ओ इज़ द रेशियो बाय मास टू बाई सिक्सटीन वन रेशियो एट नाइट्रोजन का होता है एन का होता है एटोमिक मास फोरटीन और हाइड्रोजन का होता है वन तो टोटल थ्री है तो थ्री हो जाएगा तो एन अपॉन में एच फोर्टीन रेशियो थ्री तो ये फोर्टीन रेशियो थ्री हो गया नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन तो कार्बन कितना है यहाँ पे एक है तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है ट्वेल्व और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं ऑक्सीजन के दो एटम हैं तो दो का कितना हो जाएगा थर्टी टू आप इसको काटेंगे तो फोर थ्री जा टल्व और एट फोर जा थर्टी टू तो थ्री रेशियो एट ठीक है तो रेशियो बाय मास मतलब एटॉमिक मास का जब हम रेशियो लिखेंगे उसी को बोलते हैं रेशियो बाय मास नेक्स्ट आता है मोलिकुलर मास जैसे एटम में था एटॉमिक मास वैसे मॉलिक्यूल में है मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास का डेफिनेशन क्या है सम ऑफ टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटॉमिक प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उसके एटॉमिक मास को जब हम सम कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा उसके मॉलिकुलर मास के इक्वल फॉर एग्जाम्पल एच टू ओ एच में दो एच है एक एच का एटॉमिक मास वन एक ऑक्सीजन है सिक्सटीन टोटल हो गया एटीन यू यू इज द यूनिफाइड मास या एटोमिक मास यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड सी का कितना है ट्वेल्व ऑक्सीजन सोलह दो है तो सोलह दूनी बत्तीस और बारह चौवालीस मोलिकुलर मास ऑफ एनएच थ्री कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो नाइट्रोजन का चौदह है और हाइड्रोजन का तीन और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे तीन है एक का है वन तो टोटल हो गया थ्री फोर्टीन प्लस थ्री इक्व टू बी सेवेंटीन यू तो मोलिकुलर मास क्लियर है उसके इंडिविजुअल एटॉमिक मास को सिर्फ सम करना है जैसे सी एच फोर अगर लिखा हो तो कार्बन का कितना होता है बारह प्लस में एक हाइड्रोजन का कितना होता है वन तो टोटल कितने हैं चार फोर मल्टीप्लाई बाई वन तो कितना हो गया ट्वेल्व प्लस में फोर इक्व टू सिक्सटीन जो तो आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो गया होगा वट इज़ मॉलिकुलर मास ठीक है नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सेकेंड क्या था मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लेकिन उसी कंपाउंड में कुछ आयनिक कंपाउंड्स भी आते हैं वो है हमारा थर्ड टॉपिक आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में बेसिकली मेटल और नॉन मेटल को मिला के बना होता है जैसे कि एन NaCl सी में क्या है सोडियम इज दी मेटल एंड क्लोरीन इज़ दी नॉन मेटल ठीक है तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंपोज होते हैं मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करने के बाद इसमें मेटल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल के पास होता है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयन को हम बोलते हैं एनायन नेगेटिव चार्ज आयन को हम बोलते हैं एनायन और पॉजिटिव चार्ज आयन को बोलते हैं हम कैटायन एन ए सी एल में एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव पॉजिटिव इज दटाइन एंड नेगेटिव इज दी अनायन ठीक है आयंस में कंजिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट देम। आयंस किसी एटम के ऊपर सिंगल चार्ज भी हो सकता है या फिर ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर नेट चार्ज भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप ऑफ एटम है एस फोर और इस पर चार्ज क्या है टू नेगेटिव और किसी पे सिंगल एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव ठीक है तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स चार्ज कोई कैरी करता है जैसे एस ओ फोर टू नेगेटिव तो ऐसे आयन को हम क्या बोलते हैं पोली एटोमिक आयन मतलब बहुत सारे ग्रुप ने कोई चार्ज कैरी कर रखा है ठीक है एन ओ थ्री नेगेटिव जैसे यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स ने चार्ज कैरी कर रखा है ठीक है तो देखो आयनिक कंपाउंड कभी भी बनता है तो ये याद रखना हमेशा उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही होगा और वो कैसे होंगे इक्वल होंगे ताकि जब उसका ओवरऑल निकाले हम तो वो हमेशा जीरो हो क्योंकि हर कंपाउंड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं और वो स्टेबल कब होगा जब उसका नेट चार्ज जीरो हो जाएगा नेट चार्ज जीरो हो जाएगा जैसे के ओ एच इसमें क्या है के ऊपर पॉजिटिव होता है और ओ एच के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एन ए सी एल एन पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम के ऊपर होता है टू पॉजिटिव एस ओ फोर के ऊपर होता है टू नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव इज जीरो तभी ये सी एस ओ फोर होता है ठीक है तो ये भी याद रखना कि आयनिक कंपाउंड अगर बिना चार्ज के लिखा है इसका मतलब उसका नेट चार्ज क्या है जीरो उसमें सेम अपोजिट चार्ज के आयंस प्रेजेंट होंगे अगर प्लस टू है तो डेफिनेटली वहाँ पे माइनस टू होगा नेक्स्ट इसी के अंदर आता है वैलेंसी एक और टर्म है वैलेंस ये चीज हम फोर्थ चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे बस याद रख लो अभी वैलेंस इज द आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इज आउटर मोस्ट शेल ठीक है ये फोर्थ चैप्टर में वापिस हमें पढ़ना है वैलेंसी वैलेंसी क्या द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी वैलेंसी हमें ये बताता है किसी भी एलिमेंट का उसके पास कितनी कैपेसिटी है किसी एटम के साथ या एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के? Example, H तो H की फॉर एग्ज़ाम्पल एच पॉजिटिव तो एच के यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कि एच किसी के साथ तब जुड़ेगा जब उसके उसको एक चार्ज की ज़रूरत होगी ठीक है सी एल नेगेटिव ये भी कब जुड़ेगा जब किसी से ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव सी ए टू पॉजिटिव जब ये किसी को दो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी बता रहा है ये कि कितने कितने इनकी क्षमता है ठीक है पावर कितना है इनका किसी के साथ कंबाइन होने के लिए वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विल कंबाइन कैसे एटम्स कंबाइन होंगे विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जैसे एन पॉजिटिव है तो ये किसके साथ कंबाइन होगा जिसको एक जरूरत होगा सीएल तो जरूरत एक किसको होता है देखो ये एक चीज और याद रखना पॉजिटिव वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और नेगेटिव वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन असेप्टर होता है नेगेटिव लेना पॉजिटिव देना ठीक है तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा किसी को तो एक इलेक्ट्रॉन उसी को देगा जिसको एक की जरूरत होगी ऐसा नहीं होगा कि एक वाला दो को दे देगा अगर वो दो, दो को दे रहा है तो वहाँ पे दो एलिमेंट होंगे जैसे कि एच टू ओ ठीक है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होता है टू नेगेटिव ठीक है तो यहाँ पे ये अगर हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो दो हाइड्रोजन आकर के इससे मिलेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और दो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस हो जाएगा तो ये जाकर के इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे तो दो हाइड्रोजन की ज़रूरत है यहाँ पे ठीक है बिकॉज ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है टू नेगेटिव और हाइड्रोजन का प्लस तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे कंपलसरी है मिलना ठीक है वैलेंसी समझ में आया द कंबाइनिंग पावर और अ कैपेसिटी एलिमेंट इज डोनेट्स वैलेंसी आयनिक कंपाउंड के मास को जैसे कि एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं मॉलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास बोलते हैं वैसे आयनिक कंपाउंड के मास को हम फार्मूला यूनिट मास बोलते हैं इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर सेम उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जैसे मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ डिफरेंस ये है कि मोलिकुलर मास में कंपाउंड आयन कंटेन नहीं कर रहे थे यहाँ पे कैसे क्या कंटेन करते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं ठीक है जैसे एन ई सी एल एन ए का होता है एटोमिक मास ट्वेंटी थ्री सी एल का होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव दोनों को सम किया तो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव दिस इज नोन एज फार्मूला यूनिट मास फार्मूला यूनिट मास इज फॉर आयनिक कंपाउंड एंड मॉलिकुलर मास इज नो इज़ फॉर कोविलेंट कंपाउंड कोविलेंट कंपाउंड जहां पर आयस का जरूरत नहीं होता है ठीक है ये सब चीज तुम टेंथ में पढ़ोगे और नेक्स्ट है कैलकुलेशन और फार्मूला ऑफ बाई यूजिंग मास रेशियो हम फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं मास रेशियो से मास रेशियो निकालना सिखाया था मैंने तुम्हें ठीक है साथ में हम वैलेंसी से भी फाइंड कर सकते हैं ठीक है, है? वैलेंसी से भी फाइंड कर सकते हैं और मास रेशियो से भी किसी का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं वैलेंसी वाला हम बाद में डिस्कस करते हैं उससे पहले मास रेशियो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर बनाना है वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O देखो अब ये H2 कैसे आएगा और ऑक्सीजन वन कैसे आएगा हाइड्रोजन का मास क्या होता है वन ऑक्सीजन का मास कितना होता है सिक्सटीन इन दोनों का मास रेशियो कितना होता है वन रेशियो एट कैसे क्योंकि हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होते हैं दो ठीक है दो हाइड्रोजन होते हैं ना तो टू टू अपॉन में सिक्सटीन इज्कल्स टू वन रेशियो एट बिकॉज यहाँ पे मास रेशियो लिखा है ठीक है मास रेशियो इज वन रेशियो एट एटोमिक मास एटोमिक मास इज वन और सिक्सटीन एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज वन एंड एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज सिक्सटीन फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो का हमें यूज़ करना पड़ेगा सिंपलेस्ट रेशियो इज नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स स्मॉलेस्ट नंबर आप कहाँ से पता चलेगा तो मास रेशियो और एटॉमिक रेशियो का रेशियो फॉर्म में लिख देंगे मास रेशियो अपॉन में मास एटॉमिक मास मास रेशियो इज वन एंड एटॉमिक मास इज वन वन इज वन मास रेशियो इज एट एनाटॉमिक रेशियो इस सिक्सटीन वन बाई टू नंबर ऑफ एटम्स वन एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इन दोनों में इन दोनों में स्मॉलेस्ट ये वाला है ये स्मॉलेस्ट तो वन अपाउन में वन बाई टू तो ऊपर क्या हो जाएगा टू और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वन बाई टू और स्मॉलेस्ट नंबर कितना है वन बाई टू ठीक है बेसिकली ये मास रेशियो अपन में एटॉमिक रेशियो हमने निकाला क्या है नंबर ऑफ एटम्स कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यहां पे ठीक है नंबर ऑफ एटम्स ठीक तो ये कितना हो गया हाइड्रोजन तुम्हारा दो हो गया और ऑक्सीजन वन हो गया इसके लिए तुम्हें मास रेशियो याद होना चाहिए एटॉमिक रेशियो भी याद होना चाहिए फिर तुम नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे मास रेशियो को डिवाइड करके एटॉमिक रेशियो से और सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लोगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फ़ेट का मैग्नीशियम सल्फेट का मास रेशियो होता है वन रेशियो फोर वन रेशियो फोर ठीक है एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होता है ट्वेंटी फोर और सल्फेट का होता है नाइन्टी सिक्स ठीक है कैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन का कर देंगे ठीक है ऑक्सीजन इज सिक्सटीन इंटू में फोर चार दो चार सिक्सटी फोर और सल्फ़र का कितना होता है थर्टी टू ठीक है सल्फर का कितना है थर्टी टू और ऑक्सीजन का कितना है सिक्सटी फोर टोटल कितना हो गया नाइन्टी सिक्स तो ये नाइन्टी सिक्स यहाँ पे है. ठीक अब इसका नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है हमें नंबर ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मास रेशियो को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से मास रेशियो इज़ वन एंड एटॉमिक मास इज़ ट्वेंटी फोर यहाँ पे मास रेशियो इज़ फोर एटॉमिक मास इज 96 डिवाइड करने के बाद वन बाई ट्वेंटी फोर सिम्पलेस्ट रेशियो का फार्मूला क्या है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों में से क्या है दोनों सेम ही है तो वन बाई ट्वेंटी फोर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है नंबर ऑफ एटम इसमें कितने एटम आए वन बाई ट्वेंटी फोर वन बाई ट्वेंटी फोर अपॉन में वन बाई ट्वेंटी फोर डिवाइड करने के बाद वन यहाँ भी सेम ही आएगा वन तो फार्मूला क्या बन गया इसमें भी वन इसमें भी वन तो एम जी एस ओ फोर फिर से वही बोल रहा हूँ कि मास रेशियो पता होना चाहिए और एटॉमिक मास तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से हम किसी का भी फार्मूला फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट है वैलेंसी से फार्मूला फाइंड करना वो सबसे ज़्यादा ईजी पड़ता है ठीक है तुम्हारे बुक में भी वैलेंसी वाला बाकी ये वाला भी दे रखा है ऊपर वाला भी दे रखा है ठीक है ये वाला भी लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ठीक है सेकेंड है वैलेंसी वाला ये थोड़ा ईजी पड़ता है बट वैलेंसी के लिए तुम्हें क्या चीज़ याद रखना पड़ेगा इसके एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेंगे कितने याद रखने पड़ेंगे ट्वेंटी तक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बर्डियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन डियोन सोडियम मैग्नीशियम एमोनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम कितने हैं ये ट्वेंटी तक ठीक है और साथ में ये टेबल भी याद रखना पड़ेगा पॉलीएटॉमिक आयंस के इनकी वैलेंसी देखो कुछ की वैलेंसी तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं लेकिन कुछ का याद रखना पड़ेगा जैसे कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट सल्फेट फोस्फेट इन सब की वैलेंसी तुम्हें तो यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी इनकी वैलेंसी कितनी होती है वन इनकी वैलेंसी कितनी होती है टू और नीचे वाले की वैलेंसी कितनी होती है थ्री बाकी की वैलेंसी निकालने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ देखो मैंने इससे पहले जिक्र किया था वैलेंस और वैलेंसी ठीक है वैलेंस इज द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट को का एटॉमिक नंबर जब हम वैलेंस और वैलेंसी चेक करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसे करेंगे टू एट 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 के टर्म्स में हम उसको तोड़ेंगे जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन का एक लेता हूँ ऑक्सीजन का एक लेता हूँ नियॉन का और सोडियम का देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वन ठीक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वन है ऑक्सीजन का होता है एट एटॉमिक नंबर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किया हमने तो क्या हो गया टू और सिक्स नियॉन का होता है टेन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमने किया तो टू और एट सोडियम का होता है इलेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमने किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किया तो टू एट और वन ठीक है जैसे ही फेल हो जाए एट आगे जंप कर जाना है जैसे कि पोटेशियम का अगर मैं करूँगा ए नाइनटीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किया तो टू एट एट और वन वही बोला था ना टू एट एट के फॉर्म में भरते जाना है देखो इसकी अब इन एलिमेंट्स का मैं वैलेंस और वैलेंसी बताऊँगा ठीक है इन एलिमेंट्स का मैं वैलेंस और वैलेंसी बताऊंगा ये है वैलेंस का कॉलम और ये है वैलेंसी का कॉलम सीवाई ये सीवाई वाला वैलेंस का मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन में है वन ऑक्सीजन में है सिक्स नाइट्रोजन में है एट नाइट्रोजन नहीं नियोन नियोन को एन ई लिखते हैं और सोडियम में है वन पोटेशियम में है वन ठीक है ये क्या है इसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब इसकी वैलेंसी फाइंड करनी है तो देखो वैलेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या बोलता है अगर लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में वन टू थ्री और फोर ये इलेक्ट्रॉन दिख जाए ठीक है तो इसका वैलेंसी सेम होता है वैलेंसी इसका सेम होता है वन का वन होगा टू का टू होगा थ्री, थ्री का थ्री होगा फोर का फोर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर देते हैं इसलिए बट अगर लास्ट में ठीक है तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स फाइव सिक्स और सेवन दिख जाए तो फाइव का हो जाता है वैलेंसी थ्री सिक्स का हो जाता है टू सेवन का हो जाता है वन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करते एट बनाने के लिए करते हैं क्यों एट बनाने के लिए करते हैं ताकि like ये, ये स्टेबल हो जाए ठीक है और जिसके लास्ट में तुम्हें इलेक्ट्रॉन एट दिख जाए उसकी वैलेंसी हो जाती है ज़ीरो ठीक है ये भी याद रखना जिसके लास्ट में एट दिख जाए उसका वैलेंसी ज़ीरो सिर्फ एक केस है हीलियम के लिए हीलियम के शुरू में ही दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो शुरू में ही दो है ठीक है तो इसके केस में सिर्फ इसकी वैलेंसी होती है ज़ीरो सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है ये एक ज़ीरो होती है इसकी वैलेंसी ठीक है ये याद रखना बाकी देखो आप इसके आउटर आउटोमोशन में वन है मैंने वन टू थ्री फोर के लिए क्या बताया था सेम वैलेंसी वन का वन सिक्स के लिए क्या बताया था वैलेंसी कितनी हो जाती है क्योंकि इसको कितने की ज़रूरत है एट बनाने के लिए टू एट दिख जाए तो वैलेंसी ज़ीरो वन दिख जाए तो वन वन दिख जाए तो वन तो आई होप तुम्हें वैलेंसी समझ में आ गया होगा ठीक है कुछ एग्जांपल्स देख करके मैं तुम्हें समझाता हूँ जैसे कि एन सोडियम क्लोराइड बोल कोई बोले कि फार्मूला बनाओ सोडियम क्लोराइड का ठीक है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बना के दिखाओ तो तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा अलग अलग पहले मेटल को हम फर्स्ट लिखते हैं सोडियम एन क्लोराइड सी इसका होता है एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है इसका ग्यारह इसका होता है सत्रह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मैंने किया ठीक है तो इसका टू एट वन इसका किया टू एट सेवन ठीक है इसका मैं वैलेंसी अब चेक करूँगा वैलेंसी वैलेंसी कितनी होती है वन का वन और सेवन को कितनी की जरूरत है ईट बनने के लिए वन तो ये एक्सेप्ट करेगा और ये डोनेट करेगा ये डोनेटर ये डोनेट और ये एक्सेप्ट करेगा तो एन ए का वन सी एल का आपस में कर देंगे हम इसका क्रॉस फार्मूला क्या बन जाएगा एन ए सी है तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गया होगा लेकिन कुछ इन जैसे इन सब का वैलेंसी फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है तुम्हारे स्टेज तक ठीक है इसलिए तुम्हें इनका रटना पड़ेगा वैलेंसी तो जैसे कि किसी ने बोला कैल्शियम सल्फेट का लिख के दिखाओ कैल्शियम सल्फेट ठीक है सल्फेट तो सल्फ़ेट को क्या लिखते हैं ये एस ओ फोर टू नेगेटिव इसका वैलेंसी कितना होता है टू कैल्शियम को सी ए सी ए का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किया मैंने टू एट एट टू तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी वैलेंसी टू क्योंकि मैंने क्या बोला था वन टू थ्री फोर अगर लास्ट में हो तो एज इट इज वैलेंसी हो जाती है तो दो अब इसका कर दिया मैंने क्रॉस तो सी ए टू एस ओ फोर टू ठीक है जब सेम हो जाए नीचे के नंबर सेम हो जाए तो काट देते हैं हम उसको और कैसे लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके सी ए एस ओ फोर ठीक है कैल्शियम सल्फेट ठीक नेक्स्ट अगर एग्जांपल दूं मैं सोडियम सल्फाइड कोई बोलेगा सोडियम सल्फाइड लिखने के लिए सोडियम का एन ए सल्फाइड का एस सल्फाइड का ऐसा यूनिट होता है ओ वैलेंसी होता है टू ठीक है और सोडियम का होता है ऐसा ओ वैलेंसी वन आपस में कर दिया हमने इसका क्रॉस तो एन ए टू एस ठीक है कोई बोलेगा कैल्शियम फोस्फेट लिखने के लिए कैल्शियम फोस्फेट फोस्फेट को पी ओ फोर लिखते हैं थ्री नेगेटिव अगर चार्ज लिखना है तो लिखो वैसे कंपलसरी नहीं है तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है टू ये वैलेंसी लिख निकालना मैंने सिखा दिया, दिया तुम्हें जिसका निकाल सकते हो जिसका नहीं निकाल सकते उसका रटना पड़ेगा जैसे फोस्फेट का वैलेंसी कितना होता है थ्री कर दिया इसको क्रॉस क्या आ जाएगा सी ए थ्री ओ फोर का होल ट्वाइस तो ये हो गया कैल्शियम फोर्सफेट Okay. Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.